मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त सरगर्मियां जोरों पर चल रही हैं। इस साल के आखिर में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसे लेकर सभी पार्टियों की तरफ से जगह जगह सभाओं का दौर शुरू हो गया है। यही नहीं, जो भी सभा में जाता है वह अपनी जेब में जनता को लुभाने के लिए लोभ लुभावन स्कीम लेकर जाता है। हाल ही में जबलपुर संभाग के नरसिंहपुर जिले में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने नरसिंहपुर में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने और इसके अलावा महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि कमलनाथ का यह बयान शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू करने के कुछ दिन बाद ही आया है। इस योजना के तहत प्रदेश की ऐसी 1 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, उनको बीजेपी की तरफ से प्रदेश के बजट में इसके लिए 8000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं सरकार पर महंगाई, भ्रष्टाचार और घर घर शराब पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान जी को पता है कि आने वाले चुनाव में उनका क्या हशर होने वाला है, इसलिए आज जहां जाते हैं वहां घोषणाएं साथ लेकर जाते हैं। शिवराज जी आजकल आश्वासन और घोषणाएं के नशे में हैं। हमारी माताओं बहनों को 1000 रुपए देने की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। इस वक्त विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों की तरफ से जोरदार प्रचार भी शुरू कर दिया गया है। दोनों पार्टी मध्य प्रदेश के हर वर्ग को साधने की कोशिश में लगी हुई है। इस बार के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी दोबारा सत्ता में वापसी करने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को लगता है कि वो इस बार अपनी खोई हुई सत्ता को छीनने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश की जनता किसको अगला मुख्यमंत्री देखना चाहती है, ये देखना दिलचस्प होगा।